वंचित बालक कौन होते हैं? जो समाज से कटे हुए होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका। ये देखो, ऊपर थर्ड यूनिट में से आया हुआ है, ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग, जो हमने कर लिया। वंचित बालक से आपका क्या अभिप्राय है? गरीबी तथा भूमंडलीकरण वैश्वीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था के विस्तार से व्याख्या कीजिए। आवाज आ रही है आपको? पता नहीं क्या क्या। हेलो, यस यस मैम, मैम, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रहा है आवाज। आ रही है, हाँ आवाज आ आ रही रही है मैम। है। यस एडीएफ मैम, में दिखाई दे रही है ना? दे यस मैम, रही है मैम। दिख वो रहा है मैम पीडीएफ तो। हाँ क्वेश्चन ही शो हो रहा है मैम अभी। जी मैम, क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन पॉज हो गया मैम, मुझे क्वेश्चन पेपर ही दिख रहा है बस। वो तो मैं आपसे नहीं कर रही, मुझे रुको एक सेकंड। जी, ये देखिए, अब आ रही है ना आवाज आपको? यस मैम, आ रही है ओके, आवाज। यस चलो मैम, भाई अपना टॉपिक। आ रही इसके है। लास्ट में मैं आपको आपका सिलेबस भी बता दूंगी, ठीक है, फर्स्ट पेपर का। जो बच्चे समाज से कटे हुए हो, जिनकी शिक्षा, जो ना शिक्षित हैं, जो गरीब हैं, ठीक है, उस तरह के बच्चे कैसे होते हैं? वंचित वर्ग के बच्चे। ये देखिए, ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, देख रहे हो आप? ये देखिए, वंचित बालकों का अभिप्राय उन बालकों से है जो सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए हैं, अन्य बालकों से दूर दराज के अनुसूचित जातीय जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बालक, जो गांव के रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो बालक जो गरीब भी, आर्थिक रूप से भी गरीब है, सामाजिक रूप से भी वो कटे हुए हैं समाज से, ठीक है, ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें शहरों के बालकों के समान, मतलब सभी शिक्षा की क्या सभी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार के बालकों में वे बालक भी शामिल होते हैं जो ग्रामीण व कच्ची बस्तियों के गैर सुविधायुक्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। ये देखिए, ये तो आप पढ़ ही लोगे, इसमें कुछ नहीं है। जिनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। सर्वांगीण विकास क्या है? जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता होती है, जिनको ये तीनों ही प्रकार का वातावरण नहीं मिल पाता, ठीक है, ना सामाजिक, ना सांस्कृतिक और ना शैक्षणिक। और वो कैसा बालक होगा? वो वंचित वर्ग का बालक होगा, जो सर्वांगीण विकास से वंचित है, ठीक है। ये देखिए, जो मतलब छोट जैसे बाल मजदूरी में लग जाते हैं, छोटी एज में ही मतलब शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। ये देखिए, ये हाईलाइट किया हुआ है। वंचित बालकों की पहचान कौन से होते हैं वंचित बालक?
वंचित बालकों की पहचान वंचित बालक वंचित अलाभवंती जो जिनको लाभ नहीं मिल रहा है किसी का बालक निम्न प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कैसे होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है वंचित बालकों की, जिसके पास इनकी पहचान जिससे इनकी पहचान की जा सकती है, जैसे अल्प भाषात्मक विकास, भाषा का अच्छे से विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता इनका, ठीक है, बाहरी दुनिया से उसमें होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनभिज्ञ उदासीन, बाहरी दुनिया में हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं उनसे वो अनभिज्ञ, मतलब उनका कोई ध्यान नहीं है, कुछ पता नहीं है उनको, उदासीन है उसके प्रति, निम्न अभिव्यक्ति स्तर, खुद को अच्छे से अपनी कोई बात नहीं बता सकते, कोई अभिव्यक्ति स्तर उनका कमजोर है, निम्न स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि, पढ़ाई लिखाई भी नहीं है उनके पास, ठीक है, शिक्षा से वंचित है, शिक्षा की कमी है, वाचन एवं अधिगम संबंधी नियोग्यता है, ना बोल सकते ना ही अधिगम कुछ सीखने की योग्यता है, मतलब अभी उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ इस वजह से उन्हें सीखने की योग्यता है। रूढ़िवादी, बिल्कुल रूढ़िवादी होंगे जो शिक्षा से अनभिज्ञ है, जिसको शिक्षा का ही अभी नहीं है, जिसको अभी शिक्षा ही नहीं मिल पाई है तो वो रूढ़िवादी तो हो गए, ठीक है, उनके समाज में अभी कोई नई चीज नहीं आई है, निराशावादी, शर्मीले, अंतर्मुखी, बिल्कुल अपने आप में ही वो सिमट के रह जाते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित का, पूर्वाग्रह का यहाँ पे क्या मतलब है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, लड़का लड़की में भेदभाव, इस तरह की उनकी मानसिकता होती है, इस ग्रसित मतलब इस चीज को वो टॉलरेट कर चुके होते हैं। पहल शक्ति का अभाव, अपने आप पहल नहीं कर पाते किसी बात को पूछने के लिए या किसी भी काम के लिए, चिंता एवं भय की अधिक मात्रा, ठीक है, ये है पहचान, ये देखिए, ये तो हुई बात वंचित बालक की कि कौन से बच्चे होते हैं, ठीक है, वंचित एल ऑफ वंचित बच्चों की शिक्षा, अब बात करते हैं उनकी शिक्षा की कि किस तरह से हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, समाज का नजरिया उनके प्रति कैसे बदला जा सकता है, उनको सभी तरह की सुविधाएं कैसे दी जा सकती है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणीय, ठीक है, ये देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे उनको मतलब डेवलप किया जा सकता है। वंचित अलाभवंती बालकों के व्यवहार एवं विशेषताओं से इनकी शिक्षा हेतु दिशा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही, इनकी वंचना को दूर करने के लिए निम्न वंचना मतलब जो ये अलाभवंती है, जो इनको सुविधा नहीं मिल रही है, उस चीज को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संशोधन, ठीक है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, भाषा संवर्धन कार्यक्रम, शिक्षा के उद्देश्यों जीवन से जुड़ाव, शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो जीवन से हम ऐसे टॉपिक है, ऐसा सिलेबस हमारा मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए जो जीवन से जुड़े टॉपिक हो, उसमें ज्यादातर अभिभावकों की शिक्षा मतलब पेरेंट्स को भी शिक्षित होना चाहिए, पेरेंट्स को की शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, पेरेंट्स शिक्षित होंगे या फिर शिक्षा का महत्व, शिक्षित तो देखो अगर एकदम से नहीं किया जा सकता पर उनको शिक्षा का महत्व तो बताया जा सकता है ना कि आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अनुदेशन कार्यक्रमों का आयोजन बालकों की, ठीक है, अनुदेशन कार्यक्रमों का आयोजन मतलब कि पेरेंट्स के लिए जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी जा सके कि शिक्षा कितनी अच्छी है, कितना इसके लाभ है, किस तरह से मतलब आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है, आवश्यकताओं योग्यताओं के अनुरूप पर्याप्त अभ्यास कार्य, त्वरित अधिगम कार्य, जिसमें मतलब त्वरित अधिगम कार्य का होता है जिसमें बच्चा सीख सके कुछ, अधिगम सामग्री का प्रतिभाव प्रतिमाओं व सहायक सामग्री के द्वारा प्रस्तुतिकरण मतलब सहायक सामग्री के द्वारा प्रस्तुतिकरण जिससे बच्चे अच्छे से सीख सके, सहायक सामग्री जैसे हम कोई टॉपिक करवा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चों को कोई टॉपिक, तो उससे रिलेटेड अगर हमारे पास कोई सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, तो उसको देख के बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं। वंचित वर्ग के बालकों की जीवन शैली में परिवर्तन, बिल्कुल उनके जीवन शैली में भी परिवर्तन करना चाहिए, उनके रहन सहन में, ठीक है, उनको साफ सफाई का मतलब के बारे में बताना चाहिए, ये परिवर्तन, कक्षा के सामाजिक भावात्मक वातावरण में परिवर्तन, कक्षा में भी ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनको वहां भी कोई वंचना नहीं देखने को ना मिले, मतलब के वहां भी किसी तरह का उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार ना हो, ठीक है,
उपरोक्त कदम उठाकर वंचित बालकों को उचित सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाया जा सकता है। ठीक है, ये सब सुविधाएं देकर हम बच्चे को अच्छा वातावरण उपलब्ध करवा सकते हैं तथा उनके सर्वांगीण विकास को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जो ओवरऑल डेवलपमेंट हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, क्या होता है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास, क्योंकि वो संवेगात्मक रूप से भी कमजोर होते हैं, जो अपनी बात को नहीं बता सकते, जो अपने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्यों, उनका संवेगात्मक विकास नहीं होता, सामाजिक विकास भी नहीं होता उनका, उनको रहने सहने का, दूसरों से बात करने का, घुलने मिलने का कुछ पता नहीं होता, ठीक है, और क्या, शारीरिक विकास, खाना पीना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, आर्थिक गरीबी के मतलब आर्थिक तंगी का, तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं होती, उसके कारण उनका क्या होता है, शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता। शारीरिक विकास के लिए अगर आप ये कहो कि इसमें शिक्षा क्या करेगी, शारीरिक बिल्कुल कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे मिड डे मील क्यों क्यों स्टार्ट की गई, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, शारीरिक विकास भी किया जा सके, मिड डे मील के जरिए उनको पौष्टिक आहार दिया जा सके, ठीक है। ये देखिए मिड डे मील स्टार्ट की, मिड डे मील की फोटो है यहाँ पे, वंचित बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षु बताए कि हम लोग यह जान चुके कि हम इस प्रकार के समूह बच्चों के लिए विद्यालय वातावरण परिवेश उनके अनुकूल नहीं होता, यह बेमेलपन मतलब हमसे जो मेल नहीं खा रहे उनके सर्वांगीण विकास में बाधक है, ठीक है, वो समाज से दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हम एक साधारण जिंदगी से, इसे दूर करने के लिए अध्यापकों अभिभावक के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए, मतलब ये देखिए, पूर्व विद्यालय वातावरण के कारण उत्पन्न अधिगम न्यूनताओं को दूर करने का प्रयास, विशिष्ट विषयों में न्यूनताओं को दूर करने का प्रयास, वंचित बालकों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास, जो प्राथमिक जो मुख्य आवश्यकताएं हैं उनकी उनको दूर किया जाए, पहले तो उनको खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, मुख्य आवश्यकताएं तो यही होती है, ठीक है, यही था भाई, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था, पहले वंचित वर्ग के बालक के बारे में आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसके बारे में बताना है, ठीक है, वंचित बालक कौन सा होता है, वंचित व अलाभवंती बालक, ठीक है, फिर उसकी शिक्षा के बारे में, फिर उसके उपाय, बस यही है इसमें, ये 16 नंबर में आ जाता है आपका क्वेश्चन।